लाइफ में कुछ कुछ मोमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अपने हाथ में अपनी पहली सैलरी मिलना, 2011 में एमएस धोनी का वो छक्का, इंग्लैंड से 10 विकेट की हार का बदला लेना इस वर्ल्ड कप में, या तो फिर जिम के आईने में पहली बार अपने बॉडी में मसल आते हुए देखना। लेकिन ये जो चार मोमेंट्स मैंने बताए हैं, इन तक पहुँचने के लिए एक चीज काफी कॉमन है, दैट इज भर भर के मिस्टेक्स करना। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं टॉप 4 मसल बिल्डिंग मिस्टेक्स जो मैंने किए थे एज ए बिगिनर और जो आप अवॉइड कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नॉट डूइंग कार्डियो और स्टॉपिंग कार्डियो ऑल टुगेदर। दिमाग में ये घुसा लेना कि कार्डियो करने से मेरा सारा बॉडी का मसल चला जाएगा या एक्सेसिव मसल लॉस होगा, ये एक ऐसा चुड़न है हम लोग को मेरे हिसाब से दिया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी आप बोलेंगे जो एलियट किपचोगे है या एलीट रनर्स है, चलिए एलियट किपचोगे तो गॉड लाइक हो गए हैं, गॉड लेवल में पहुंच गए हैं, बट इंडियन एथलीट्स जो होते हैं टॉप लेवल के, जो लोग मैराथन में भाग लेते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, या हाफ मैराथन में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनका भी आप फिजिक चेक कर लीजिएगा, वो लोग काफी थिन होते हैं, लीन होते हैं और उनका मसल परसेंटेज बहुत ही कम रहता है। तो आप बोलेंगे कि कार्डियो करने से इन लोग का तो मसल पूरा एकदम गायब ही हो जाता है। तो पहला बात, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपको मैराथन रनर बनना है, आपको पोडियम फिनिश करना है? तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट आप एकदम ही बंद कर दीजिए, 2 सप्ताह में एक बार कीजिए ताकि आपकी इंजरी ना हो। लेकिन अगर आपको मैराथन रनर पोडियम फिनिश नहीं करना है तो मेरा बात सुन लीजिए। हम और आप जो हैं कार्डियो इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का फैट लॉस हो जाए, फैट बर्न हो जाए, इसलिए हम लोग वीकली 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर रन नहीं कर रहे हैं और उतना एक्सेसिवली पुश नहीं कर रहे हैं। मैराथन रनर्स जो होते हैं उनका स्ट्रेंथ वर्कआउट्स भी बेस्ड अराउंड रनिंग ही होता है, इसलिए कार्डियो करना बंद एकदम ही मत कीजिए। मैं भी पहले मोटा था, फैट था, स्पेशली फॉर फैट पीपल दिस इज फॉर यू। मैं भी पहले मोटा था, उसके बाद एक्सेसिव कार्डियो करके मेरा बहुत मसल लॉस हो गया, उसके बाद मैंने जब इनकॉर्पोरेट किया कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग, जिसको बोला जाता है हाइब्रिड ट्रेनिंग, तब जाके मेरा इम्प्रूवमेंट्स दिखने लग गया। हाइब्रिड ट्रेनिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाइब्रिड ट्रेनिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ वर्कआउट्स अलॉन्ग विद कार्डियो वर्कआउट्स, इसलिए ये वाला चूरन जो कार्डियो करने से आपका सब मसल चला जाएगा एकदम ही गलत है। हाइब्रिड ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोमो कोड है, एक ऐसा टूल है जो आपका ना ही फैट लॉस कर देगा बट आपका मसल बिल्ड करेगा एट द सेम टाइम। अभी आप बोलेंगे आपको कार्डियो करने का टाइम ही कहाँ है, क्योंकि आपको बोला गया है कि हर एक मसल को 2 बार हफ्ते में ट्रेन करना ताकि तब जाके तुमको कोई डिफरेंस नजर आएगा। मेरे हिसाब से अगर आप 6 दिन जिम जा रहे हैं तो 3 दिन आप Zone 2 कार्डियो कीजिए और 3 दिन आप फुल बॉडी वर्कआउट फॉलो कीजिए, क्योंकि आप न्यूबी हैं, एज ए बिगिनर हैं, आपका न्यूबी गेन्स बहुत ही जल्दी होगा और आपका प्रोग्रेस काफी फास्ट होगा। 1 महीना आप हाइब्रिड ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद इसी वीडियो में आके कमेंट कीजिए कि आप क्या डिफरेंस आपको नजर आया। आई एम क्वाइट श्योर आप पूरा अमेज हो जाएंगे कि आप में कितना फर्क आया है। मिस्टेक नंबर 2, ईगो लिफ्टिंग। ये वाला जो मिस्टेक है, जो लोग जिम गोअर्स हैं, हम आप शायद हर कोई ऑलरेडी कर चुका है। द न्यू थ्रिल ऑफ लिफ्टिंग वेट्स, हेवियर वेट्स, कभी कभी हम लोग के सर में चढ़ जाता है। इस जिम में मैं सबसे ज्यादा वेट उठाता हूँ, ये वाला टाइटल हासिल करना कभी कभी हानिकारक होता है। अगर आपको पावर लिफ्टर नहीं बनना है, बिकॉज पावर लिफ्टर जो लोग होते हैं दे हैव माई अटमोस्ट रेस्पेक्ट, बहुत ही हार्ड गेम है, इसलिए अगर आपको पावर लिफ्टर नहीं बनना है मैं सजेस्ट करूंगा शुरू में डू नॉट गो अहेड एंड लिफ्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ हैवी वेट्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें चांसेस ऑफ इंजरी जो होता है बहुत हाई हो जाता है, आपको फटीग कर देता है, इसलिए लाइट वेट विद प्रॉपर टेक्निक आपको ज्यादा इफेक्टिव होगा देन हेवियर वेट्स विद पुअर टेक्निक। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, शुरू में मैं जब रेसेस में जाता था मैं देखता था कि मैं एकदम ऑल आउट एफर्ट देता था, मतलब रेस पेस से भी ज्यादा तेज भागता था, और जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते थे 35-40 के उम्र के, वो लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते थे और एंड में वो लोग मेरे से आगे, बहुत आगे फिनिश करते थे, क्योंकि नंबर 1 उन लोग के पास डिसिप्लिन था, एक्सपीरियंस था, और ये बात उनको पता था कि शुरू में अपना एनर्जी को कंजर्व करना है, धीरे धीरे चलना है और लास्ट में ऑल आउट एफर्ट देना है। सिमिलर प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है, शुरू में आप अपना टेक्निक ठीक कीजिए, लाइट वेट से अच्छे से जो एक्सरसाइजेस है उनको समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अपना वेट अमाउंट बढ़ाइए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जिसको बोला जाता है वो वाला ट्राई कीजिए। किसी को देख के मेरा दोस्त उतना वेट उठा रहा है या पूरा जिम को बुला लेना, जो लोग हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि मैं इतना वेट उठा रहा हूँ पूरा जिम आ गया, वैसा ट्राई करना एकदम ही
अच्छा चीज नहीं है अगर पहले आप वैसा वेट उठाए नहीं है तो, क्योंकि आपको काफी ज्यादा हाई चांसेस हो सकते हैं इंजरी का। इसलिए अपना माइंड को डिसिप्लिन रखिए, अपना फॉर्म अपना टेक्निक पे ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म में देखिएगा आपको ही बेनिफिट होगा। मिस्टेक नंबर 3, ओवर ईटिंग। मैं जिम जाता हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ना रे पगले ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी खाने का वक्त भी आएगा, लेकिन शुरू शुरू में अवॉइड जंक फूड एंड अल्कोहल एट ऑल कॉस्ट। एक दिन चूज कर लीजिए जिस दिन आपका चीट मील डे रहेगा, बिकॉज दैट इज नॉट ओनली गुड फॉर द बॉडी बट ऑल्सो गुड फॉर द माइंड एज वेल। आपको मोटिवेटेड रखता है। शुरू शुरू में आपको बल्क नहीं करना है। किसी को देख के मैं बल्क करूंगा उसके बाद कटिंग करूंगा, क्यों? आप ऑलरेडी बल्ट अप हो भाई, आपको बल्किंग का कोई जरूरत नहीं है। कार्डियो करते रहो, वेट ट्रेनिंग करते रहो एंड घर का खाना खाओ। डोंट फॉलो एनी फिरंगी डाइट। एवोकाडो टोस्ट, ब्लूबेरी स्मूदीज, पॉकेट एकदम खाली हो जाएगा। इसलिए कार्डियो वेट ट्रेनिंग करते रहो, हाइब्रिड ट्रेनिंग प्लान फॉलो करते रहो, फल अपने आप मिल जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, नॉट यूटिलाइजिंग योर वीकेंड। अगर शुरू शुरू में मुझे कोई समझा देता, बुझा देता अच्छे से कि भाई वीकेंड यूटिलाइज करने से कितना फर्क पड़ता है, तो लफंगेबाजी में मैं इतना सारा वीकेंड अपना बर्बाद नहीं करता और रिजल्ट्स काफी पहले आ जाते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर वीकेंड्स एंड मेक दैट डे अ हार्ड डे, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है उसके नेक्स्ट वाला दिन आपका रेस्ट डे रहेगा। आप कैसे हार्ड डे बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सुबह आपने कार्डियो सेशन रख लिया क्योंकि वो दिन आपका छुट्टी का दिन है। कार्डियो आपने एक 5 किलोमीटर का रन रख लिया या 4 किलोमीटर का रन रख लिया शुरू शुरू में, जिसमें आप 3 किलोमीटर जोन 2 में भागे और 1 किलोमीटर आपने थोड़ा फास्टर पेस में भाग लिया। इवनिंग को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वर्कआउट सेशन रखिए, लेग्स छोड़ दीजिए, अपर बॉडी कीजिए, जिसमें हर एक सेट जो आप मार रहे हैं गो टिल फेलियर विद अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेट, और वो वाला दिन मैक्सिमम चांसेस है आपका चीट मील रहेगा या तो नेक्स्ट डे रहेगा। और जो मील आप खाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यू विल एंजॉय इट टू योर फुलेस्ट और आपको लगेगा भी कि आप वो डिजर्व करते हैं। यूटिलाइज द वीकेंड्स, आपको इतना ज्यादा फर्क महसूस होगा और आपको इतना ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये चारों के चारों जो मिस्टेक्स है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ, आई एम कीपिंग इन माइंड जो लोग सुन रहे हैं, दे आर ऑन द फैटर साइड नॉट ऑन द स्किनियर साइड। मिलते हैं अगले वाले वीडियो या व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक एक्शंस, बाय बाय एंड टेक केयर।